ये उनकी गलती है बहुत बड़ी उनका सूक्ष्म विकर्म बनता ही जाएगा जब तक वो आत्मा स्वीकार नहीं करेगी कि मेरे अंदर इम्प्योरिटी है तब तक प्योरिटी आएगी भी नहीं जीवन में इसलिए ऐसी आत्मा को बहुत क्लियर रहना चाहिए बाबा से नहीं तो वो अपने को धोखा दे रहे हैं रही बात आपकी आप तो अन हैं उस बारे में तो आपको ना कोई दोष है ना आपके ऊपर कोई इफेक्ट होगा और अगर आपको पता है तो आप बड़ों को थोड़ा इशारा भी दे सकते हैं वो प्यार से उसे कम से कम इतना तो कहें भाई तुम ब्रह्मा भोजन नहीं बनाओ तुम पहले अपना अच्छा पुरुषार्थ करो ये आपका परम कर्तव्य है किसी और भावना से नहीं उसकी कल्याण की भावना से तो बहुत अच्छा हो जाएगा और जब आप भोजन खाओ तो थोड़ा अच्छा योग करके भोजन को पवित्र दृष्टि देकर फिर खाना